तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग में डेटा कनेक्शंस की। कल हमने आपके साथ बात की थी कि किस तरह से फाइल से, नोटपैड से, फोल्डर से, पीडीएफ से डेटा को एक्सेल में कैसे लाया जाएगा। हमें बताया कि फोल्डर में जो डेटा है उसको एक जगह पे हम कंबाइंड कैसे करेंगे, ये लास्ट क्लास से हमारी इस बातचीत हुई थी। आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं अदर एप्लीकेशन में जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी है, उस माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी को कैसे यूज किया जा सके। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। तो जैसे कि हमने फॉर्म फाइल के बारे में जाना था, उसके बाद फॉर्म डेटाबेस जैसे एक्सेल डेटाबेस एक्सेस है या कोई एनालिसिस सर्विसेज है उससे ले सकते हैं। अजूरे अगर आपके पास है तो अजूरे एक्सप्रेस ले सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज मेरा डीएक्टिवेटेड है क्योंकि मेरा जो मैंने पैक खरीद रखा है उसमें ऑनलाइन सर्विसेज अनेबल नहीं है। बट यहाँ पे आप ऑनलाइन सर्विसेज पे जो ऑनलाइन साइट्स वगैरह है, फेसबुक वगैरह है, वहाँ से डेटा लेके आ सकते हैं। लेकिन इसमें अदर सोर्सेज जो है, अदर सोर्सेज में जब आते हैं तो फ्रॉम टेबल एंड रेंज। अब आपको याद होगा कि लास्ट क्लासेज में हमने आपको बताया था कि अगर हमें फाइल से फाइल को अगर कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम एक्सटर्नल डेटा सोर्स लेके गए थे, याद है। लेकिन अगर हम सेम सीट में या सेम वर्कबुक सेम फाइल में अगर हमें लिंक करना हो तो उसके लिए हमारे पास टेबल रेंज यहाँ पे दिया हुआ है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। तो यहाँ फ्रॉम अदर में टेबल रेंज, तो यहाँ से आप इजिली यहाँ पे सीट लिखते हैं। ये सेम सीट पर ले रहा है, एक मिनट, सेम सीट पर लेता है। लेकिन उसका एक और तरीका है कि हमें इसका नाम डिफाइन करना होगा। हमने इसको सेलेक्ट किया और इसका नाम डिफाइन कर दिया डीबी। अब मैं यहाँ जब मैं फ्रॉम टेबल रेंज से जाऊंगा तो बस यहाँ पे इक्वल इस डीबी को कर दूंगा माई डेटा हैज ए हिडर कर दिया एंड ओके। ओके, सेम सीट एज ए टेबल, सेम सीट का लेता है, माफ कीजिए। जैसे यहां अगर हम करते हैं फ्रॉम टेबल मैं लेता है इधर, तो सेम सीट नहीं, ये तो जस्ट टेबल में कन्वर्ट किया इसने, सॉरी। टेबल में कन्वर्ट किया, इसका अलग यूज है, एक पावर क्यूरी है। मैं आपको इसके बारे में अगली क्लास में समझाऊंगा, अगली क्लासेस में इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए। फ्रॉम वेब, किसी वेबसाइट से डेटा को लेके आना, किसी वेबसाइट से। तो हम एक वेबसाइट खोलते हैं जहां से हम डेटा लेके आने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं स्टॉक का साइज देना है, स्टॉक का डेटा ही लेना चाहता हूं मैं, तो मैं यहां करता हूं स्टॉक मार्केट डेटा। money.cnn.com है, इससे बहुत सारे डेटा है, मोस्ट पॉपुलर पे हमने क्लिक किया। या एक ये डेटा सही है, मैंने मोबाइल यूजर वर्ल्ड का हमने लिया और ये हमने विकिपीडिया पे चले गए। विकिपीडिया में आप देख रहे हैं यहां पे ये डेटा है। अब इसी टेबल को एक्सेल पे लेके आना है।
हमने इस यूआरएल को कॉपी किया और यहाँ फ्रॉम डेट, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, फ्रॉम डेट पे आ गए। पेस्ट करता हूँ, और यहाँ देखिए इसमें से टेबल को रीड किया उसने, जो टेबल उसके लिए सुटेबल हुआ, इसलिए कई सारे टेबल देखा उसने। लेकिन हम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिए डेट व्यू पे जाते हैं तो जैसे वेबसाइट का व्यू इस तरह से दिखता है, अगर पूरा का पूरा जैसा वैसा चाहिए तो लोड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें से टेबल चाहिए तो मैं यहाँ टेबल व्यू पे आऊँगा और अपने टेबल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से लोड पे क्लिक करूँगा। देखिए वेबसाइट से डेटा हमारा उठ के आ गया। तो डाउट सर इसमें सत्यन जी? नहीं सर। सर देखा किस तरह से वेब से डेटा ला दिया, तो फ्रॉम वेब में ये ऑप्शन होता है जहां से वेब का डेटा लेके आते हैं। ओके इसमें आपकी बाकी और भी चीजें जैसे कि ओडीबीसी वगैरह से लेके आते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के बारे में समझाते हैं आपको। माइक्रोसॉफ्ट देखिए इसमें एक होता है पावर क्यूरी, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, दो चीजें इसमें है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर क्यूरी एंड क्यूरी दो चीजें हैं, इसका ध्यान रखिए। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर क्यूरी में आपको हम समझा रहे हैं, फिर पावर क्यूरी हम समझाएंगे आपको। अभी इससे पहले हम आपको कल की क्लास की बात करते हैं। कल की क्लास में हमने किसी और डेटा सेट से डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट किया था, याद होगा सर? हाँ सर।
जी सर हाँ याद होगा फिर बात की थी हमारे, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लिया। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें पूरा का पूरा डेटा आया, ठीक है सर, पूरा का पूरा डेटा आया। बट मैं चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ जो है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ कॉलम ना आए, जैसे कि मैं रेट और अमाउंट नहीं चाहता, मैं रेट एंड अमाउंट को नहीं चाहता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज कि मैं इसमें से कुछ पर्टिकुलर पार्ट को ही चाहता हूं, तो मैं सिर्फ पूजा को चाहता हूं लाना, कैसे होगा? तो चलिए इसके लिए हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे करें। आप क्या कह रहे हैं कि मैं सिर्फ पूजा को ही चाहता हूं, कोई सुन ना ले ये बात आपकी। पूजा की डेटा चाहता हूं। बात सही की है, वायु तो नीचे है ना, कोई सुन ना ले, देख ले सर जी। पता लगे रात का दरवाजा बंद हो गया घर आने का। तो यहाँ जैसे मैं डेट, हम देखिए ध्यान देखिए क्या किया मैं, अब इस बातों बात मैं करता गया आप देख नहीं पाए। देखिए मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फ्यूरी पे क्लिक किया, एक्सेल फाइल को सिलेक्ट किया, देन ओके किया, और यहाँ से अपने ड्राइव वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ से फाइल के एक्सटेंशन चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप अपने फोल्डर चेंज कर सकते हो, और जब पर्टिकुलर फोल्डर पहुंच जाए तो अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए, देन ओके कीजिए। और जैसे मैं कल बताया था आपको कि फर्स्ट टाइम में आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, एक एरर शो करेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि डिफॉल्ट सिस्टम टेबल पे क्लिक नहीं होता है। फिर मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे किया, जैसे मैंने बताया कि मैं सिर्फ अमाउंट को और रेट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एमआरपी तक चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, समझ गया? तो जो चीज में चाहिए होती है यहाँ पे रख लीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए। और जैसे मैंने बोला कि सुन तो नहीं रहा ना कि पूजा को चाहता हूं, तो यहां पे मैं इक्वल टू पूजा कर दूं, आ गया इक्वल टू पूजा। और भी कंडीशन देने हैं और एंड में, तो और भी कंडीशन दे सकते हैं, देन ओके। आप शॉर्ट करना चाहते हैं कि भाई शॉर्ट हो जाए, आईडी के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो, सिलेक्ट किया, नेक्स्ट एंड फिनिश, देन क्लियर सर? जी सर। पूजा का डेटा आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अब मुझे मेरा मूड बदल गया है, मैं पूजा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहां पे नीरज आए, नीरज का डेटा आए, तो क्या करेंगे? तो मैं यहां पे जो भी टाइप करूं यहां आना चाहिए, समझे? तो उसके लिए आपको डेटा में यहां क्यूरी एंड कनेक्शन पे जाना होगा, तो जितने भी क्यूरी लगे होंगे उसका लिस्ट यहां पे आ जाए, तो इसमें डबल क्लिक कीजिए, इसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी, इसके डेस्टिनेशन में आइए, यहां देखिए सिक्वल क्यूरी लगा हुआ, लगा हुआ है सर। तो अगर मान लीजिए पूजा का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मान लीजिए मैं देव का चाहता हूं, और देव कर दिया, अरे ओके कर दिया, तो देव का आ गया। लेकिन मैं बार बार क्यूरी में जाकर चेंज नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं के वन पे मैं टाइप करूं, यहां पे चेंज हो जाए, तो मैं वापस डेस्टिनेशन में जाऊंगा और यहां डेट को डिलीट करूंगा, सिंगल कोड भी डिलीट करूंगा, और इसके जगह पे क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है? जैसे क्वेश्चन मार्क देके ओके करोगे, आपसे पूछेगा पैरामीटर, तो पैरामीटर में हमने उसको सेलेक्ट कर लिया के वन, और यहां दो चेक बॉक्स और भी यूज वैल्यू रेफरेंस फ्यूचर रिफ्रेश और वेन द रिफ्रेश ऑटोमेटिकली वैल्यू भी चेंज, दो चीजें हैं, इसको क्लिक कर दीजिए, देन ओके। अभी कुछ नहीं आ रहा, अब मैं यहां पे देता हूं नीरज, ओम, ओम का बजाय नहीं है देव, हाँ आ गया मोहन, मोहन का बेटा आ गया, मनोज, अशोक, ठीक है सर? यहां ड्रॉप डाउन भी लगा सकते हैं,
कुछ समझ में आया नहीं सर? आ गया सर, आ गया। समझ में आया, दोबारा करके दिखाऊं। सो ये जो पावर क्यूरी है ये सिलेक्टेड फील्ड्स को परफॉर्म करती है एक्चुअली, ना कि पूरी उस वर्कशीट को। आपको जो भी डेटा रिक्वायर है, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। मतलब कि इसके अंदर क्यूरी होती है, इसमें क्यूरी में कंडीशन लगा होता है। यहाँ देखिए, वियर सीट डॉट नेम इक्वल टू, भाई वही को लेना है जिसका नए हो। अब इसके इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आपको पढ़ना होगा सिक्वल क्यूरी। क्या सिक्वल क्यूरी आता है आप लोगों को? नहीं सर। मोबाइल में कहीं पूजा तो नहीं बैठी हुई? क्या मोबाइल में कहीं पूजा तो नहीं है? नहीं सर, वो बेसिकली मैं मोबाइल बैकअप ले रहा हूँ। मेरा मोबाइल ना कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गया, बार बार अपने आप कुछ कुछ चीज कुछ कुछ अपने आप खुलता रहता है, तो मैं उस चीज को फैक्ट्री रीसेट करना चाह रहा हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप भी मजाक कर ले तो अच्छा। एक वेबसाइट है जो दे रहा हूं आपको मैं यहां पे, इरा इसमें एसक्यूएल की क्यूरी है। तो ये स्टेट इंसर्ट वगैरह तो नहीं चलता है, सिलेक्ट कमांड चलता है, ठीक है। तो इस सिलेक्ट कमांड को अच्छे से आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्यूरी लैंग्वेज होती क्या है। इसे ट्राई का भी है, तो आप ट्राई करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जैसे मैं कंडीशन लगाया था, यहाँ पे कंडीशन है, और भी चीजें इसमें है, फंक्शंस भी है। तो आप जो है टाइम निकाल के इसको पढ़िएगा, तो इससे क्या होगा कि आपको और ज्यादा इसमें डिटेल समझ में आएगा। समझे सर? अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि जो डेटा आ रहा है ना सर, इस तरह का डेटा आ रहा है। अब मैं अगला बार चाहता हूँ कि नहीं, मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, ना ही मैं पिवट लगाना चाहता हूँ, फिर भी मुझे डेटा आना चाहिए क्वांटिटी। मुझे क्या आना चाहिए था कि नेम 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 सिटी एरिया और क्वांटिटी का टोटल आना चाहिए, और नहीं नेम और क्वांटिटी का टोटल आना चाहिए। सिंपल सा पिवट जैसा मैं चाहता हूँ, बट मैं पिवट नहीं लगाना चाहता हूँ। बात समझ रहे कि नहीं? कि मुझे जो डेटा आना चाहिए, मुझे मेरे पास जो डेटा आना चाहिए वो डेटा आना चाहिए लिस्ट ऑफ नेम एंड टोटल क्वांटिटी। मुझे चाहिए नेम एंड टोटल क्वांटिटी, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें पिवट ना लगे। बात समझ रहे हैं? पिवट ना लगे। तो यहीं पे मैं आता हूँ। हालांकि इसके लिए बहुत सिंपल तरीका हो गया है पावर क्यूरी में, बट क्या है कि आप लोगों के पास पावर क्यूरी नहीं है, तो मुझे इसको एसक्यूएल क्यूरी के जरिए समझाना होगा। तो उसी तरीके को मैं वापस रिपीट करता हूँ, वापस डेटा को लेता हूँ और मैं यहाँ पे रेट एंड अमाउंट हटा देता हूँ और नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन और कुछ लगाता हूँ। यहां देखिए बेटा, व्यू एडिट एंड क्यूरी फॉर माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, और फिनिश करता हूं। तो मेरे पास एक अलग से क्यूरी कनेक्शन खुल गया जहां पे मैं अपने सिक्वल क्यूरी लिख सकता हूं। जैसे यहां पे देख रहे हैं ना, आपने सिक्वल क्यूरी लिखा हुआ है। तो मुझे इसमें अब जो कॉलम नहीं चाहिए मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। आईडी नहीं चाहिए, डेट नहीं चाहिए, नेम चाहिए, तो नेम को रहने देता हूं। मुझे सिटी नहीं चाहिए, एरिया नहीं चाहिए, बट क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो रहने देता हूँ। क्वांटिटी का टोटल मैं बाद में निकालूंगा। हाँ, बाकी ये सब कुछ नहीं चाहिए, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे इसको हम रखते हैं सम। क्या करते हैं? सम। सम में इसको डाला और एज ए कोड के अंदर डाल दिया टोटल।
और यहाँ हमें कोड करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इसमें देखें फंक्शन में जाके सम का फंक्शन में, तो इसमें कहा गया है कि अगर आप फंक्शन लगाते हैं तो आपको ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा कि आप किसके बिहाफ से ग्रुप कर रहे हैं, मतलब कि उस पिवट किसके बिहाफ से तैयार होगा। तो ग्रुप बाय और ये जो सीट का नेम है जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके सर, और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। आ गया अशोक नेम और टोटल आ गया यहाँ पे, और यहाँ से आप लोड एंड क्लोज कर देंगे। लेकिन ये सब चीजें रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड ओके। आ गया सर, तो ये मतलब कि पिवट नहीं आया, लेकिन पिवट की तरह आया। इसी चीज को हम पिवट के थ्रू करते हैं, तो पिवट के थ्रू नहीं कर रहे हैं। पिवट के थ्रू ना करने के पीछे रीजन क्या है कि मेरा पूरा का पूरा डेटा देखा जा सकता है। अगर पिवट में है तो डबल क्लिक करेगा और पूरा डेटा आपका देख लेगा, बट इसमें ऐसे फीचर्स नहीं है कि पूरा डेटा देख सके। उसको डेस्टिनेशन फाइल में जाना पड़ जाएगा और डेस्टिनेशन फाइल एक्सेस करने का होना चाहिए पूरा पास। तो सिप्टी समझ में आया आपको कि नहीं? समझ। लेकिन इसके लिए आपको क्यूरी की जरूरत होगी, क्यूरी की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो डेटा शीट या दो फाइल कह लीजिए, मैं दो या दो से ज्यादा भी फाइल हो सकती है, तो फाइल भी हो सकती है। तो मेरे पास दो फाइल है और दो फाइलों का डेटा हमें यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में आता हूं, मैं दो फाइलों के डेटा को कंबाइन करके उसके ऊपर पिवट लगाना चाहता हूं। तो इसमें डाउनलोड में डेटा में हमने यहां वन ले लिया होगा। जैसे कल मैंने बताया था ना आपको फोल्डर वाला पास सेम थी, रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल क्वेरी करते हैं। तो यहां लिखा हुआ है ना, इसी को जो लिखा हुआ है उसी को, अब इसमें हो सकता है यहां पे जो चीज क्यूरी लिखा हुआ इसी क्यूरी को कॉपी कर लीजिए पूरा का पूरा, और यहां पे हमें करना है यूनियन ऑल और फिर इसको पेस्ट कर दीजिए, और जो फाइल नेम है वन इसको ट्रू कर देता हूँ। जो भी फाइल नेम है चेंज कर दिया या डिफरेंट सीट नेम है तो आपको सीट नेम भी चेंज करना पड़ेगा। अगर सेम सीट नेम है तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे फाइल नंबर वन है, फाइल नंबर टू है, देन ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, तो दोनों डेटा यहाँ पे कंबाइन हो गया। अब तीसरा करना है तो इसके नीचे ही एक और यूनियन ऑल और फिर इसी कोड को कॉपी पेस्ट कीजिए और फाइल नेम को चेंज कर दीजिए, तीसरा हो जाएगा। जब फाइनल हो जाए रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आपको पिवट टेबल रिपोर्ट में चाहिए तो लीजिए पिवट टेबल रिपोर्ट। तो दो डेटा जो पीछे कंबाइन है कोलेटेड है और यहां पे पिवट एक सीट में लग रहा है। क्या बोले सिप्टन जी, समझ में आया आपको कि नहीं? देखिए सर, अगर ये तो है कि अगर डेटा एक जैसा नहीं है तो दिक्कत है, तो दिक्कत है सर, तो गंगा में अब जाना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो गई सर, क्योंकि हमारे यहाँ तो डेटा जो होता है ये तो आपने क्या किया कि फील्ड कॉलम और आपकी जो रोज हैं वो तो सेम हो गई। अब हमारे फाइनेंस में क्या होता है कि अगर सेवन साइट्स हैं, सेवन में डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं, सब ने अपने अपने फॉर्मेट में डेटा सेंड किया, अब उसको मुझे कंसोलिडेट करना है, उसको मुझे इकट्ठा करना है, तो वीवी यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना सर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो ही होगा ना सर। जैसे आप अगर खाने के लिए जाते हैं तो एक होता है स्टैंडर्ड पिज्जा, तो जो उसमें डला हुआ वो खाना खाएगा, लेकिन एक वो एक कहते हैं कि भाई आप बताइए जैसा पिज्जा बोलिएगा, जो जो चीज डालने के लिए बोलिएगा वो डाल के पिज्जा बना देगा, वो तो सिर्फ आपकी च्वाइस हो गई ना सर। सेम चीज वीवीए है, ये तो स्टैंडर्ड बना हुआ है हर किसी के लिए, अगर अलग अलग फील्ड है, अलग अलग चीजें हैं, तो उसके लिए भी वीवीए प्रोग्रामिंग है जिसको यूज करके आप खुद के लिए अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं।
ओके तो इस माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी को और ज्यादा डिटेल में यूज करने के लिए आपको SQL क्यूरी को समझना होगा। तो SQL क्वेरी समझ लीजिएगा, जहां जहां दिक्कत होगी वहां वहां आपको सपोर्ट कर रहे। ऐसे दो तीन एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, दो तीन एग्जांपल आप हमने आपको बता दिए हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर क्यूरी। अब यही पे सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर क्यूरी 2019 में है, 16 और 19 में। तो अगर आपके पास वर्जन नहीं है तो सीखोगे तो प्रैक्टिस क्या करोगे? तो आप लोग मुझे बताएं कि वो आपको सिखाऊं या स्किप करूं? नहीं सर, आप सिखाएं, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। आई होप कि मेरे पास 2016 है, लेकिन मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगा आज उसकी। 2016 में भी पावर क्यूरी है लेकिन वो लिमिटेड है, लेकिन जो ऑफिस 365 है उसमें पावर क्यूरी पूरी की पूरी अपडेटेड है। और पावर क्यूरी में बहुत बड़ा बहुत अच्छे से फीचर्स हैं जो कि हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे ठीक है। ठीक है सर, तो तब तक जो है अगर आपको हो सके तो आप अपडेट कर लीजिएगा, राइट सर? ठीक है सर, अगर हो सके तो एक महीने के लिए परचेज ही कर लीजिए। आई थिंक इंडियन रुपीज के हिसाब से करते हैं तो 450 के आसपास लगता है, 450 तो खर्च किया जा सकता है सर। नहीं, मेरे पर्सनल लैपटॉप में यही है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, तो मेरे पर्सनल में तो सब कुछ ओके। तो प्रैक्टिस आप वहां पे जाकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात इनसे आपके पास क्या है? मैं आज रिक्वेस्ट किया मेरे आईटी ऑफिसर को, मेरा भी 365 अपडेट करेंगे इनको, अभी तो 13 है ठीक है। तो क्योंकि 13 में सिर्फ चीजें नहीं, अभी जो आज जो चीजें बताई तो 2007 में भी है, आज जो मैंने चीजें बताई है आपको वो 2007 में भी आपको मिल जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कल क्लास में जो गेट डेटा था ना, ये एक्सेल में नहीं था, इसलिए मैं आईटी ऑफिसर को बोला कि इधर अपडेट करें। तो पावर क्यूरी बहुत ही पावरफुल है, वो हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे। ठीक है सर, समझ गया? ठीक है सर, ठीक है सर। कोई क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर।